समाचार की अरी हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सभी प्रकार की डेली अपडेट्स पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। झज्जर में चल रहे उमंग एक पहल अभियान की गूंज आज पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में उस समय सुनाई दी जब महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण विषय पर मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा झज्जर के गांव भदानी की कविता शर्मा को सशक्त महिला सम्मान से नवाजा गया। मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं सहायता समूह की लीडर कविता को नैपकिन यूनिट स्थापित करने की सार्थक पहल पर सम्मान दिया और झज्जर जिले में चल रहे उमंग एक पहल कार्यक्रम की सराहना की गई। बीते दिनों राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा भी झज्जर में चल रहे सामाजिक संदेशात्मक अभियान की सराहना करते हुए उपायुक्त सोनल गोयल को प्रोत्साहित किया गया था। गौरतलब है कि गुरुवार को पंचकुला में महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण विषय पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती कविता जैन की मौजूदगी में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मान दिया गया। कविता ने बताया कि झज्जर जिले में उपायुक्त सोनल गोयल के मार्गदर्शन में उमंग एक पहल अभियान शुरू किया गया था। इसी अभियान में सहभागी बनते हुए उन्होंने स्वयं सहायता समूह के तहत नैपकिन यूनिट गांव में लगाई। उनकी यूनिट द्वारा तैयार नैपकिन का वितरण जिले के राजकीय विद्यालयों के छात्राओं में किया जा रहा है। उमंग एक पहल अभियान के बलबूते झज्जर की कविता को मिले सम्मान पर उपायुक्त सोनल गोयल ने कविता सहित समूह के अन्य सदस्यों को भी बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि आज झज्जर जिला विकास की ओर अग्रसर है और ढांचागत विकास के साथ ही सामाजिक बदलाव में भी प्रशासन अपनी सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है। इस प्रोजेक्ट में हरियाणा राज्य आजीविका मिशन, सर्व शिक्षा अभियान तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की संयुक्त भागीदारी के साथ प्रोजेक्ट प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो रहा है।